बांसगांव चौराहे पर अतिक्रमण परेशान है राहगीर। बांसगांव चौराहे पर अतिक्रमण बढ़ गया है। दुकानदारों द्वारा चौराहे पर अतिक्रमण कर दिया जा रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता रणविजय सिंह ने अपना दुख व्यक्त किया और बताया कि अतिक्रमण से आने जाने में भारी दिक्कत होती है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द ही समस्या का निराकार कराया जाएगा। क्या नाम है आपका? रणजीत कुमार सिंह एडवोकेट। क्या समस्या है? बांसगांव चौराहे पर रोज ठेला लगवा कर कुछ यहाँ के संभ्रांत लोग और पुलिस की मिली भगत से रोक चौराहे ठेला लगा कर सब्जी मंडी वाले रास्ते पर एकदम अतिक्रमण करा देते हैं और लोगों के आने जाने में बहुत समस्या पैदा होती है। और वहीं से गोरखपुर जाने के लिए एक नया रास्ता कछार खुला है, जिसका हमेशा दुर्घटना होने की संभावना रहती है और प्राय दुर्घटना होती है। और दुर्घटना होने पर लोग धन वसूली का एक माध्यम बना लिए है आज। AWBN पद पर कार्यरत द्वारकाधीश रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। बांसगांव तहसील में AWBN पद पर कार्यरत द्वारकाधीश को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन की टीम ने 7,000 रिश्वत लेते वरिष्ठ लिपिक को किया गिरफ्तार। सीजनल अमीन के पद पर रखने के लिए इस रिश्वत की मांग का मामला था। शिकायतकर्ता अमीन ज्ञान सिंह की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। क्या नाम है आपके? हाँ, रमा देवी। द्वारकाधीश जी कहाँ गए? तो बिजली विभाग की टीम का छापा हुआ था। रैली निकाल मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। भारत माता व वंदे मातरम के जयकारे लगे। मढ़लगंज युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित नेहरू युवा केंद्र गोरखपुर की जिला युवा अधिकारी सुश्री सीमा पांडे के निर्देश पर विकास खंड मढ़लगंज के राष्ट्रीय स्वयंसेवक त्रिभुवन मिश्र ने भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के डेरवा गाय घाट में रैली निकालकर आजादी का जश्न मनाया गया। रैली को समाज सेवी संजय सिंह व त्रिपुरारी मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक कृष्णा मुरारी मिश्र, स्वयंसेवक कृष्णा पांडे, अनिल यादव, जयवीर सिंह, शिवम गुप्ता, सोनू गौड़, सचिदानंद मिश्र, प्रवीण मिश्र, नंदू विश्वकर्मा, संजय सिंह, सोनू यादव, विजय बहादुर यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पचपन गांव मैरून महज 40 गांव में बटी राहत सामग्री। बड़हलगंज राप्ती व सरयू नदी की बाढ़ से प्रभावित 55 गांव को तहसील प्रशासन द्वारा मैरून घोषित किया गया है, लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता की वजह से मात्र 40 गांव में ही राहत सामग्री वितरित हो सकी है। गुनहा गाय घाट सेमरा खुर्द सीधे गौर नवलपुर मावरटिया बेसहनी बेलमा दाखिली कोयली खाल पीपरडाड़ी पटना मुस्तकिल आछीडी रुदौली तुर्कवलिया मजवलिया गांव के लोग आज भी सरकारी राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ से चारों तरफ परेशानियां बढ़ी हैं। पशुओं के चारे बह गए हैं व खोप में रखे भूसे बाढ़ के पानी से सड़कर नष्ट होने के कारण पशु पालकों के सामने दिक्कत आ गई है। नाम है आपके? राम। कहाँ रहते हैं आप? दाड़ी। इस समय रात में कहाँ रुक रहे हैं? तो बकुला बकुला बंदे पे। शासन द्वारा कोई सुविधा मिला आपको? राशन किट? कुछ नहीं। पशुओं तो कहाँ रखे हैं?
ससुर सारे बात ससुर टहल बाढ़ के पानी में डूबने से मासूम की मौत। डेरमा बरहलगंज के कोयली खाल में पानी में डूबने से प्रभु साहनी के 2 वर्षीय पुत्र आरव की मौत हो गई। शाम को वह घर के पास लगे बाढ़ के पानी में खेलते हुए चला गया, फिसलकर गहरे पानी में पहुंच गया, डूबने से उसकी मौत हो गई। उप निरीक्षक बरहलगंज अश्वनी तिवारी का कहना है कि स्वजन शव का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, इसलिए मासूम के शव पंचनामा करा कर उसे स्वजन को सौंप दिया गया। पिता ने बेटी के हत्यारोपियों के खिलाफ कप्तान से कार्रवाई की गुहार लगाई, शिकायत के बावजूद रिपोर्ट दर्ज नहीं। बरहलगंज कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मीपुर महाराजगंज निवासी केदार यादव ने SSP गोरखपुर को पत्र देकर बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ कार्यवाही की गुहार लगाई है। पत्र में केदार ने लिखा है कि मेरी बेटी संजू की शादी 2012 में इसी थाना क्षेत्र के कोटिया निरंजन निवासी राजदेव के पुत्र संजय यादव के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही 2 लाख रुपए दहेज में और देने की मांग कर बेटी संजू को मार पीट कर प्रताड़ित करते थे। 5 सितंबर की सुबह 10 बजे ससुराल वालों ने संजू का गला दबाकर मार कर साड़ी के फंदे में बांध कर लटका दिया और संजू की हत्या के जाने के लिखित शिकायत बरहलगंज कोतवाली में दिया, किंतु आज तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। बरहलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो जाने के बाद परिजनों द्वारा बार बार बरहलगंज थाने पर तहरीर दिया जा रहा है कि उसकी बेटी का हत्या किया गया, परंतु तहरीर पे अब तक कोई कार्रवाई न होने से परिजन परेशान होते SSP गोरखपुर से गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि बार बार जाने के बाद भी अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वहीं बरहलगंज कोतवाल का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। गोला में भाजपा युवा मोर्चा के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष का आयोजित हुआ भव्य स्वागत समारोह। गोला गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष नीरज दुबे का उपनगर गोला के चंद चौराहे पर प्रथम आगमन कर उनका अभिनंदन समारोह आयोजित कर फूल माला और स्मृति चिन्ह प्रदान कर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आपने देखा होगा जब योगी जी का डंका बजा तो प्रदेश से माफिया राज का सफाई हो गया, या तो वे माफिया जेल चले गए। अगर योगी जी का डंका बज रहा है तो हम युवा मिल करके चिल्लू पार में योगी जी का डंका बजाने की तैयारी कर लिए हैं। अध्यक्षता गोला मंडल अध्यक्ष देवेश निषाद ने व संचालन निखिल राय ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र प्रताप चंद, पवन दुबे, रोहित रमण गुप्त, आलोक तिवारी, दीपक जायसवाल, ऋषिकेश साहनी, गणेश शुक्ला, अमित चंद पांडे, बबलू तिवारी, सतीश शर्मा, संतोष त्रिपाठी, सदानंद मछवार, अमर पटेल, प्रणव शाही सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़े भाई आदरणीय श्री रतन प्रकाश दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिले के उपाध्यक्ष भाई अनिल भट्ट जी, श्री अशोक वर्मा जी हमारे साथ चल करके आए, उगला ब्लॉक के निर्वर्तमान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भाई बबलू तिवारी जी, निर्वर्तमान प्रधान संघ अध्यक्ष उरुआ आदरणीय श्री गणेश शुक्ल जी, उरुआ मंडल के लोकप्रिय मंडल अध्यक्ष भाई अमित चंद पांडे जी, जिले के कार्य समिति के सदस्य भाई ऋषि साहनी जी सहित समस्त पदाधिकारीगण, सेक्टर के पदाधिकारीगण, बूथ के पदाधिकारीगण और भारतीय जनता।
बाढ़ के पानी में डूबने से मासूम की मौत। डेरवा बरहलगंज के कोयली खाल में पानी में डूबने से प्रभु साहनी के 2 वर्षीय पुत्र आरव की मौत हो गई। शाम को वह घर के पास लगे बाढ़ के पानी में खेलते हुए चला गया, फिसल कर गहरे पानी में पहुंच गया, डूबने से उसकी मौत हो गई। उप निरीक्षक बरहलगंज अश्वनी तिवारी का कहना है कि स्वजन शव का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, इसलिए मासूम के शव पंचनामा करा कर उसे स्वजन को सौंप दिया गया। कटान से बेघर हुए लोगों से मिले विधायक, बांटे राहत सामग्री। बरहलगंज विकास खंड बरहलगंज का जगदीशपुर गांव, जिसने कल ही अपना अस्तित्व खो दिया है, वहीं बृहस्पतिवार को विधायक विनय शंकर तिवारी पहुंच कटान से बेघर हुए लोगों से मिलकर कटान स्थल का निरीक्षण कर सभी पीड़ितों के बीच राहत सामग्री वितरण किया और सड़क के किनारे पॉलिथीन के नीचे दिन गुजार रहे सभी पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि आप लोगों के साथ हर समय खड़ा हूं, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। इस दौरान पूर्व प्रमुख राज बहादुर सिंह, बसंत पासवान, भुवनेश्वर चौबे, लल्लन तिवारी, राजू तिवारी, रविशंकर सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। राप्ती कटान से कंसासुर घुटवार बांध पर खतरा मंडराया। बंधे पर कई जगह दरारें पड़ रही, ग्रामीण बंधों की कर रहे निगरानी। बरहलगंज उफनती नदियों की लहरों ने बांध से बचाव के लिए बनाए गए बंधों को कमजोर कर दिया। राप्ती नदी की बाढ़ व बारिश से कंसासुर घुटवार बांध की सुरक्षा भी खतरे में दिख रही है। हर साल बंधे की सुरक्षा के नाम पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। पूर्व में बंधे की बोल्डर पिचिंग भी कराई गई थी। नदियों का जलस्तर घटने के साथ कटान तेज हो गया है। उपंती राप्ती की बाढ़ से बंधे की मिट्टी दरक रही है। स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने अपने कई बंधों की सुरक्षा के लिए बोरी, झांगा आदि डाला, मगर बंधे पर पानी के बढ़ते दबाव से स्थिति चिंताजनक हो गई है। हालात यह है कि ग्रामीण बंधे की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस संबंध में बाढ़ खंड के अभियंता राघवेंद्र सिंह का लगातार नजर रखी जा रही है। कौड़ीराम से गोरखपुर यात्रा करना हुआ दुभर। कौड़ीराम में बघावीर बाबा मंदिर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर यातायात शुरू हो गया है, लेकिन यात्रा करना अभी भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। आमी नदी का उफान अभी भी जारी है, लंबी जाम भी लग रही है। बरसात के नाते निर्माणाधीन सड़क की मिट्टी बहकर सड़क पर फैल गई है। अभी भी घुटने भर कीचड़ युक्त पानी सड़कों पर है। हालांकि पानी को निकालने का काम जेसीबी द्वारा किया जा रहा है। वाहन चालकों के लिए वाहन चलाना बहुत ही कठिन हो गया है। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य पर अंधेरे में हो रहा है इलाज। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य की दशा आराम भरोसे चल रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि यहां पे सुविधाएं तो हैं, पर सुविधा देने वाले की अनदेखी से मरीजों चिकित्सकों में भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। बताते चले कि आज जाने पर देखा गया कि अंधेरे में टॉर्च की रोशनी से फार्मासिस्ट दवा वितरण कर देते हैं। डॉक्टरों के रूम में भी रोशनी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। पूछने पर फार्मासिस्ट राजेश पाठक ने किनारा कसते हुए अधीक्षक का हवाला दिया। अधीक्षक चैम्बर में गया तो पता चला कि अधीक्षक चैम्बर में नहीं है। पूछने पर पता चला तो अधीक्षक ने कहा कि अभी जनरेटर चलवाते हैं। जनरेटर कहाँ हो गया हॉस्पिटल से? अधीक्षक साहब से पूछना पड़ेगा। हाँ, अंदर हो। जिंदगी के लिए नहीं, पेट के लिए खतरों से खेल रहे हैं मछुआरे। कौड़ीराम गोरखपुर, यह जो आप दृश्य देख रहे हैं यह किसी समुद्र का नहीं बल्कि कौड़ीराम स्थित आमी नदी का है, जिसमें एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी नाव के सहारे गहरे पानी एवं जानलेवा नहरों के बीच मछलियों का आकेट कर रहा है। यह अपनी जिंदगी के लिए नहीं, अपने पापी पेट के लिए ऐसा कर रहा है।
बता दें कि इस समय गोरखपुर जिले के चारों तरफ बाढ़ का पानी तबाही मचाए हुए है। नदी के किनारे रहने वाले लोग अपनी दिनचर्या एवं अन्य जरूरतें पूरी करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। 55 गांव मैरुंड महज 40 गांव में बटी राहत सामग्री। बड़हलगंज राप्ती व सरयू नदी की बाढ़ से प्रभावित 55 गांव को तहसील प्रशासन द्वारा मैरुंड घोषित किया गया है, लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता की वजह से मात्र 40 गांव में ही राहत सामग्री वितरित हो सकी है। गुनहा गाय घाट सेमरा खुर्द सीधे गौर नवलपुर मवरटिया बेसहनी बेलमा दाखिली कोयली खाल पीपरडाड़ी पटना मुस्तकिल आछीडी रुदौली तुर्कवलिया मजवलिया गांव के लोग आज भी सरकारी राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ से चारों तरफ परेशानियां बढ़ी हैं। पशुओं के चारे बह गए हैं व खोप में रखे भूसे बाढ़ के पानी से सड़कर नष्ट होने के कारण पशु पालकों के सामने दिक्कत आ गई है। नाम है आपके? राम। कहाँ रहते हैं आप? दाड़ी रहो। इस समय रात में कहाँ रुत रहे हैं? ये तो बकुलहा है। बकुलहा बंधे पे शासन द्वारा कोई सुविधा मिला आपको? कुछ नहीं। राशन किट? कुछ नहीं मिला। पशुओं तो कहाँ रख रहे हैं? पशुओं क्या बात है, टहल रहे हैं। बसावनपुर कोड़ीराम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में वृहद फॉगिंग। कोड़ीराम डीआरपीओ हिमांशु शेखर के द्वारा कोड़ीराम क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त एरिया में फॉगिंग कराया गया है। बताते चले कि बाढ़ के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं और हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में छिड़काव की आवश्यकता को देखते हुए डीआरपीओ हिमांशु शेखर ने बसंतपुर में छिड़काव कराया। यह कार्यक्रम रात से दिन तक चलता रहा।